हमने अपनी कल की प्लेइंग 11 डिसाइड कर ली है। प्लेइंग 11 इज एज फॉलोज। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद। आपको ये अभी मैसेज हम लोग भेज देंगे, अभी 2 सेकंड में आप कर दूँ? श्योर, कर देते, चले कर देते हैं। आई होप मुझे याद रहे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड अबरार अहमद। स्ट्रोक्स के बगैर इंग्लैंड की टीम कितनी वल्नरेबल है? डू यू थिंक दे विल स्ट्रोक लेस फायर इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रोक्स? और जो श्रीलंका ने रास्ता दिखाया अपने वर्ल्ड टेस्ट का, क्या उसके कैपिटलाइज हो? शायद भी देखें, बेन स्टोक्स की जो क्वालिटी है हम सबको पता है कि दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में वो बेशुमार होते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने उनके बगैर भी खेला है, और ना सिर्फ अभी, पहले भी उनके बगैर काफ़ी खेला है। और उनकी स्ट्रेंथ्स जो होती हैं वो एक बंदे से नाकाम होंगी ना, मतलब उसमें कोई ऐसा इजाफा होगा। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें, काफ़ी बैलेंस्ड है। उनके पास ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग भी करते हैं, दो स्पिनर्स भी खेल रहे हैं, जो रूट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देती है स्पिन में, 3 फास्ट बॉलर्स हैं, बैटिंग डीप है। तो जी, उनको लॉस इंडिविजुअल का ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी 11 की साइड है, 16 का स्क्वाड है, काफ़ी कंपेटिटिव है। तो श्रीलंका ने कुछ चीज़ें दिखाई, लेकिन देखें ये कंडीशंस कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है, अगर हमें किसी चीज़ से लेसन्स लर्न करने चाहिए या इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए, वो एक तो अपनी जो लास्ट सीरीज़ इंग्लैंड के साथ हुई थी, इस ग्राउंड पे भी हम खेले थे, काफ़ी करीब आए थे टेस्ट मैच जीतने से। तो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम क्लोज थे उस सीरीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ थी जीतने की, और वही एक मिस्टेक है जो आई थिंक हमने एज ए टेस्ट स्क्वाड काफ़ी रिपीट की है, जो मेरे मेरे टेन्योर में भी हुई है कि मैच विनिंग पोजीशंस में आके हमसे मैचेस स्लिप हुए हैं। तो हमारे लिए एज ए साइड अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, किस तरीके से हम जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है उसको टैकल कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलने पहुँचते हैं। कप्तान गौहर शेख, कॉरेस्पॉन्डेंट एसजी न्यूज़। इंग्लैंड ने अभी देखा है कि टेस्ट में जो है एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, और यही उनकी जीत की वजह भी बन रही है। तो इस हवाले से क्या प्लान बनाया है पाकिस्तान ने, और किस तरह से आपके हवाले से क्या अप्रोच होगी? देखिए, हमें उनका स्टाइल पता है कि उन्होंने किस स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर सकते हैं उसको टैकल करने के लिए, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी प्लेइंग 11 में भी एक क्लैरिटी रखी है, कंडीशंस देखते हुए, ऑपोजिशन देखते हुए। आज हमने इसलिए साइड अनाउंस की है क्योंकि हम अपने माइंड में क्लियर हैं कि ये एक बेस्ट 11 है, ये एक हमें बेस्ट बैलेंस मिलता है। अगर एक आध चीज़ पिन पॉइंट कर सकूँ, आमिर जमाल के आने से हमें सीम डिपार्टमेंट में हमें एक एज मिलता है, प्लस उन्होंने अपनी बैटिंग कैपेबिलिटीज़ भी दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया में। और बाकी हमने कोशिश की है कि हम ज़रा सी अपनी प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंसी रखें, मौका दें, क्योंकि ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पहले भी परफॉर्म किया हुआ है, पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए हुए हैं। और बस एक एज ए साइड क्लिक की बात है कि एक हम अच्छा इधर स्टार्ट लें जो हमें एज ए साइड टेस्ट साइड मोमेंटम दे सकती है। इसमें देखा जाए तो 8 बैट्समैन आपकी डेप्थ जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि भी इंग्लैंड का भी इतना वो जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें बॉक्स के अलावा इतना एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा बॉलर, तो आप क्या समझते हैं कि ज्यादा रन्स करके आप इंग्लैंड को दबाव में लाना चाहते हैं? देखें, जो टेस्ट मैच की स्ट्रेटजी होती है वो एक दिन में आप नहीं डिसाइड कर सकते। 5 दिन का खेल इसलिए होता है क्योंकि ये गेम काफ़ी चेंज हो रहा होता है। तो जब भी आप प्लेइंग 11 या इवन स्क्वाड अनाउंस करते हैं, आप पूरी सीरीज़ को देखते हैं, आप पूरे 15 दिन को देखते हैं, और आप कहते हैं कि जब भी कोई चेंजेस आएंगी सिचुएशन में, जो टेस्ट क्रिकेट में हर दिन आती हैं, हम इन इन सिचुएशंस को कैसे टैकल कर पाएंगे। जहाँ तक हमारी स्क्वाड की बात की, आप 8 बैट्समैन इसलिए खिलाते हैं, इवन हमें बांग्लादेश सीरीज़ में थोड़ा सा नुकसान हुआ,
कि 7 के बाद हमें उस तरीके से रन्स नहीं मिले जो हमें आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में दिए थे, तो वो एक चीज़ थी। दूसरी, उनकी 3 मैचेस में 18 विकटें थीं, उसका भी हमें लॉस हुआ था कि एक बंदा जो इंटरनेशनल स्टेज में आया उसने परफॉर्मेंसेस दी और फिर अनफॉर्चुनेटली थ्रू इंजरी वो नहीं खेल पाया। सेकेंडली, आपने स्पिन डिपार्टमेंट में कवर करना है, जो हम समझते हैं कि अबरार और सलमान अली आगा के साथ हमें वो दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप हमेशा जब भी अपनी फास्ट बॉलिंग आप हमारी देख लें, हमने 3 सीमर्स खिलाए हैं, शाहीन शाह, नसीम शाह, आमिर जमाल के, हम चाह रहे हैं कि हमें हर डिपार्टमेंट में वो कवरेज मिले जो हमें 5 दिन कोई भी सिचुएशन है उसमें हम उसको टैकल कर सकें। जहाँ तक आपने इंग्लैंड की बात की, जी इनएक्सपीरियंस ज़रूर होता है, इनएक्सपीरियंस हमारी टीम में भी है, बट उनके पास जो उनके दूसरे दो सीमर्स हैं, गस एटकिंसन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की है, उनका स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है, ब्राइडन कार्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं इंग्लैंड के लिए, वाइट बॉल खेल चुके हैं, कंसिस्टेंट रेड बॉल बॉलर हैं उधर डरम के लिए, तो ये वो चीज़ें आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और जो चीज़ अननोन होती है उस पर आपको ज़रा वॉचफुली और केयरफुली और ज़्यादा आपने उसको एग्जामिन करना होता है, उसको उसके अगेंस्ट प्लान करना होता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि जब कोई नया बॉलर आता है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्या वीकनेसेस होती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी ऑपोजिशन से प्लेयर उतरेगा उसको फुल रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसके स्किल सेट को असेस करेंगे कि इन कंडीशंस में और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हुए हम कैसे उनको टैकल कर सकें।